आज हम 24 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? जो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है ये कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 21 अगस्त। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डकर फ्रांसिस्को असू को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? जो डकर फ्रांसिस्को असू है उसे किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका आंसर है इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री के तौर पर डकर फ्रांसिस्को असू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट, हाल ही में आई एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं? तो जो कोरोना के कारण जो एडीबी की रिपोर्ट है उसके अनुसार 6.1 मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है तो वे कौन थे? तो इसका आंसर है क्रिकेटर। जो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन है वे एक क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के तौर पर किशोर रुंगठा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम लॉन्च किसने किया है? तो इनका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो दोस्तों ये कोरोना फाइटर गेम कोरोना पर के ऊपर लॉन्च हुआ पहला गेम है जिसे भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो मलेशिया में पाया गया है जिसका नाम है D614G। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेबर ब्यूरो के अधिकारी लोगों को लॉन्च किसने किया है? तो इसका आंसर है संतोष कुमार गंगवार। लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को संतोष कुमार गंगवार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है HSBC इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिटिव प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? जो टोक्यो ओलंपिक है वहाँ की भारतीय टीम का स्पॉन्सर INOX को ग्रुप को चुना गया है। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश की सबसे स्वच्छतम राज्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है, और सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर को घोषित किया गया है, जबकि सबसे स्वच्छ राजधानी में देश की राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्राई फूड योजना है वो अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में AI संचालित हेल्थ केयर पॉड्स की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।